नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद और कल्लोल के जो साप्ताहिक हमारा जो साहित्य का कविता का चर्चा का जो कार्यक्रम रहता है उसमें हम लोग उपस्थित हुए, इकट्ठा हुए। और खुशी की बात यह है कि ये 11वां एपिसोड है जो बिना रोक टोक के अब तक जारी है। और अभी अभी हमारे साथी साईं जी ने ये बताया कि 1 साल हम लोग पूरा करने वाले हैं किसी भी कार्यक्रम को 1 साल तक चलाना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सबसे पहले जो हम लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग तो है ही हैं, लेकिन ये कार्यक्रम इसमें जो प्रतिभागी हैं, विशेषकर जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, बच्चे कहना नहीं होगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे युवा मित्र हैं, उनकी वजह से इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ तक ले आ पाए। और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और चीजें हम लोग सुन पाए हैं। उसमें बाकी साथियों का भी योगदान रहा है, विशेषकर वर्षा मैम का भी योगदान रहा है, लगातार वो चीजें करती रही हैं। जितने भी लोग रहे हैं उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी एक निजी दिलचस्पी ये रही है कि मैं, शायद आप लोगों ने अगर पहले सुना होगा ये लाइव प्रोग्राम, तो मैं, मेरा इससे जुड़ने का है कि इसमें दो मेरे मित्र हैं, साइन जी हैं, हमारे मित्र रंजन जी हैं, ये मेरे दो साथी हैं जिनके साथ के वजह से, मतलब हम लोग जो करना चाहते थे वो करना चाहते थे और इसलिए हम इस कार्यक्रम का बना बनना भी रहा और मैं आया। अब तक के जितने कार्यक्रम हुए बहुत अच्छे रहे हैं, विशेषकर वर्षा मैडम ने जितने कार्यक्रम किए हैं, और पिछला एपिसोड जो है उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो हमको देख रही है लेकिन मुस्कुरा देंगी, हमको मालूम है, बहुत शानदार मैं चाह रहा था और वो चीजें हुई हैं। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम चलता रहे और नए नए लोग जुड़ते रहे। और क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने कार्यक्रम के बाद एक जो हमने विचार किया था और अपने साथियों से बात की थी, हमने कहा था कि बच्चे आए और जो भी यहाँ पे हैं लोग मौजूद हैं, हम कह रहे हैं कि आप बिना झिझक के, मतलब जब तक मैं हूँ तो मैं अगर मॉडरेटर हूँ या नहीं हूँ उसके बावजूद मैं आपका बचा करता हूँ, आप बिना झिझक के, बिना किसी डर के आप आइए और कविताएं सुनाइए, क्योंकि हम सब आपके मित्र हैं, आपके दोस्त है ना, क्योंकि जैसे पिता मित्र होते हैं, भाई मित्र, शिक्षक भी मित्र होते हैं, तो हम लोग यहाँ सब लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, वो उसकी उम्र का कोई वो नहीं है, लिहाज नहीं, तो इस हिसाब से आप आइए और बेझिझक अपनी बात कीजिए। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि आप, क्योंकि आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो पिछली बार ये दिक्कत हुई थी, हमने ये बात की थी कि एक ऐतिहासिक दिन है, जैसे कल ही जो बीता कल था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व है, महत्व आप शायद जानते होंगे, बावजूद उसके मैं थोड़ा सा बता आपको भी, ज्ञान होता है तो कहते हैं ना ज्ञान बाहर, तो उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब मेरे ज्ञान में कुछ कमी हो। साइंस सर, ये जो मेन स्क्रीन है, ये मेन स्क्रीन में कुछ ऐसा वो आ रहा है, इसको ठीक कर दीजिए क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है, सब विंडो स्क्रीन में आ रहा है, अगर साइंस सर सुन रहे हैं तो उसको ठीक कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें ये है कि कल 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर आप लोग जानते हैं कि मोहनचंद करमचंद गांधी, आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी का पूरा नाम है ना, जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, आप लोगों ने पढ़ाई हो, मैं बाकी नहीं बताऊंगा डेट और सब चीजें क्योंकि वो बेसिक चीजें, लेकिन मैं सिर्फ उनके बारे में, और एक और व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, ये दो लोग जो हैं, ये कल के मतलब भारत के इतिहास में कल का जो तारीख बीता है 2 अक्टूबर, ये लोग दर्ज है। अब इन लोगों के बारे में आप कितना जानते हैं, आपने कितना किताबों से पढ़ा, आपने मित्रों से आपने सुना, ये आपको तय करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको, कविता होती रहेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि गांधी, आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता है, उनको राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है ना, राजघाट में उनके स्थान पे, यमुना किनारे राजघाट, तो
उनकी समाधि का नाम राजघाट है, जहाँ पे उनको दिया गया था, उनकी अस्थियां दफनाई गई थी। ठीक है, जो है वो यह है कि हम गांधी को कितना जानते हैं, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप देखेंगे छोटी छोटी किताबें अगर नहीं पढ़ी तो मैं माँ बाप को कही है, बच्चों के गांधी, बापू, बच्चों के पिता, और गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें। जब आप गांधी को पढ़ते हैं, शास्त्री जी को पढ़ते हैं, तो वो आपके जीवन में, आपकी चीजों में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कविता हम करते रहेंगे, बात को ध्यान रखें कि हम कविता पढ़ रहे हैं तो सर क्या बोल रहे हैं। मेरा मकसद ये था, ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि हम कम्युनिकेट करें। तो चूंकि भारत का ऐतिहासिक दिन रहा, कल हर साल आता है, तो दो व्यक्ति, लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर बने थे और बाद में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी, ताशकंद रशिया में। उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जब आप देखते होंगे ट्रक वगैरह में जो बुलेट पर जान लिखा था जय जवान जय किसान, ये शास्त्री जी का नारा था। जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़ा था 1963 में, उस वक्त अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया, तब उन्होंने इंडिया गेट के आसपास भी गेहूं उगाने के लिए कहा था, उगाया था। ये आपको सुनने को मिलेगा, आप सर्च करें। तो कुल मिला कि यह है कि एक प्रधानमंत्री जिनका कर्तव्य यह नहीं है कि वो आके सिर्फ मन की बात करते, एक उस तरह के प्राइम मिनिस्टर भी थे जिन्होंने जन की बात की, मन की नहीं, जन, जन मतलब जनता है ना, कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में इस समय से जानना जरूरी है कि मन की बात और जन की बात में फर्क है। मन की बात में जैसे मैं आपको अभी बक बक कर रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे थे, मेरा मन की बात, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप क्या जानना चाहते हैं ना। तो जब आप कवि बनते हैं, कविता करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए समय वाला क्या है। इस तरह से आपको ये जो ऐतिहासिक दिन है भारत में, उसके बारे में जब कभी भी आए आपको शोध करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है। और जो आपके पहले प्रतिभागी हैं, वर्षा मैडम ने जिनका नाम लिया था, वर्षा मैडम नाम बताइए जरा, क्या नाम बताया था आपने उनको, वर्षा मैडम वो जो जिनको आना था उनको बताइए क्या नाम था, उस बच्चे उनको बुला लीजिए, वो अपनी कविता के साथ आए। और अभी नियति श्रीवास्तव, नियति श्रीवास्तव, हाँ, तो उनको आप बुलाइए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो आए और अभी कविता प्रस्तुत करें। ठीक, बाकी नाम तो मेरे पास है। नमस्ते, मेरा नाम है नियति श्रीवास्तव, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है सब्जी सम्मेलन। इस कविता को लिखा, ये कविता आपकी आपकी लिखी हुई है या किसी और की है? जी, मैं लिखे, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं कविता कैसे लिखूं, मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की, मैं ट्राई करूंगी कि मैं अगली बार लिखूं। जी नहीं, अभी अभी आप अभी अभी आप जो सुना रही हो किनकी है, अभी आप जो सुना रही हो किनकी, आपकी है किसी की और की है? जय नारायण कौशिक जी ने ये कविता लिखी है, तो मैं शुरू कर दूँ। सब्जी मंडी के बीच में लगा सब्जी का ढेर, रंग बिरंगी सब्जियां रही आपस में ढेर, मैं राजा हूँ मैं रानी हूँ शोर यही था छाया, देख गड़बड़ी सब्जी दल में कद्दू नाथ कब्द आया, कद्दू नाथ लुढ़कते आए अपने को बड़ा बताया, बहुत नाम है मेरे कहकर अपना पेट फुलाया, सीधा फल काशी फल पेठा कोहदा मुझे मुझको कहते, भारी भरकम बोझ है मेरा सभी दहशत में रहते, फल के सारे गुड़ है मुझ में सीता फल कहलाया, बड़े मिठाई मेरी मीठी मैं सबके मन भाया, इस कुर्सी पर बैठूंगा मैं आज सभापति बनकर, अपने अपने गुण बतलाओ बैठा हूँ मैं तनकर, सुनकर बात यह सीताफल की सब्जी मन में घबराई, ककड़ी खीरा मूली मिलकर कुर्सी एक एक ले आई, इसी तरह से प्यारे बच्चों हुआ सब्जी सम्मेलन चालू, ठुमक ठुमक कर सबसे पहले आगे आया आलू, मैं पर्वत पर जन्मा हूँ मैं काम बहुत हूँ आता, गर्मी सर्दी का वर्ष, गर्मी सर्दी या वर्ष हो सब ऋतुओं में भाता, बैगन गोभी मटर टमाटर मेरे गुड़ को गाते, मेरी सब्जी में मिलकर वे अपनी शान बढ़ाते, मैं विनम्र हूँ शीलवान हूँ भूमि में गड़ जाता, भूमि की गर्मी सहकर भी मैं मोटा हो जाता, मोटा छोटा लंबा चपटा नाना रूप हो भाई,
सब्जी का राजा आलू है, मेरी करो सुनाई। थैंक यू। ठीक है नियति, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। अब थोड़ी सी चर्चा कर ले कविता पे आपसे, हम करें आपसे थोड़ी सी बातचीत करें आपसे। जी बोलिए। हाँ तो आप किस जी बोलिए, किस कक्षा में, आप किस कक्षा में हैं? मैं फिफ्थ में हूँ। अच्छा आप पांचवी कक्षा में हैं। तो बेटा ये बताइए कि ये जो जिस सब्जी के बारे में ये सब्जी आपने देखी है ना कुछ, शायद मुझे लग रहा है कि पंपकिन के बारे में आप बात करें, कोड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? जी पंपकिन और पंपकिन और पोटैटो। हाँ ठीक है, मतलब इसमें मुख्यतः जो है पंपकिन के बारे में बात की गई है ना, पंपकिन आपने आपको बता रहा है कि ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि पंपकिन जो है वो भारत में जिस तरह से उसका उसका एक प्रसाद भी बनता है, जिसको बोलते हैं ना कि वो जब कहीं कुछ वो होता है दरबार वगैरह चलता है तो उसमें पंपकिन की प्रसाद दी जाती है, जो हरे रंग की होती है, बाद में पक जाता पीला हो जाता है। तो पंपकिन की मिठाई आपने खाई है क्या? नहीं मैंने पंपकिन की मिठाई नहीं खाई। जब आप पढ़ते हैं तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पंपकिन से कौन सी मिठाई बनती है मुझे भी नहीं मालूम है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो आपने कविता पढ़ी तो मुझे मुझे ये तो मालूम है कि पेठा का बनता है, पंपकिन पाई बनती है, पंपकिन पाई बनती है। ओके पंपकिन पाई। हाँ तो देखिए कि ये बहुत सारी जब हम पढ़ते हैं तो हमको मान लीजिए कि अब मतलब एक शब्द है कि ब्रिंजल, ब्रिंजल आप जानते हैं ना बैंगन को बोलते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि पूरी दुनिया में बैंगन को ब्रिंजल कहीं नहीं बोला जाता भारत के अलावा, एक प्लांट बोलते हैं बैंगन को, ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने की है, और आपने बहुत अच्छी कविता चुनी है कि ये सब्जियों पे जो है अभी अभी ठंड आएगी और सब्जियों की चीजें आएंगी, वो चीजें आएंगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली बार आप अपनी कविता के साथ आए, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं ये मान रहा हूँ कि आपको मुझसे डर नहीं लगता है ना, मैं हंसता रहता हूँ, ठीक है ना बेटा? चलिए बहुत सुंदर, आप सुनते रहिए है ना, और अपना ख्याल रखिए, ठीक है? तो ये जो हमारी पहली प्रतिभागी जो है उन्होंने अच्छी कविता सुनाई, और मैं चाहता हूँ कि जब हम तमाम इसके बाद जो हमारे युवा कवि आने वाले, युवा कवि मैं कह रहा हूँ, युवा कवि बच्चे नहीं, हमारे युवा कवि जो आने वाले हैं तो वो आए, और जो दूसरा नाम है मेरे पास मैं उनमें से उनको बुला रहा हूँ। सर दूसरा नाम आप बता देंगे साइंस सर, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, साइंस सर अगर आप बता देते नाम आप बता दीजिए तो मैं उनसे संपर्क करूं। अक्षय सक्सेना सर, अक्षय सक्सेना। अक्षय सक्सेना, अरे अक्षय को तो मैं जान रहा हूँ, अक्षय को बुलाइए, अक्षय आइए। आप खाली नाम बता दीजिए, बाकी मैं बुला मैं नाम बता दीजिए प्लीज, मेरी हेल्प कीजिए है ना। तो अक्षय आइए, आपका स्वागत है। तो अक्षय आपकी कविता सुनाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा, सुनिए ये हाथ आ रहा है शायद, कैमरा क्या आ गया आपका, आपका चेहरा आना चाहिए अक्षय। तो अक्षय आप कैसे हैं ये बताइए पहले। ठीक हो सर? आप ठीक हैं? हाँ। अरे मैं सर नहीं, मैं दोस्त हूँ यार तुम्हारा, क्या बात है सर के, सर सर तो होता है, सर तो डंडा लेके रहते हैं, सुनाओ। मैं सर थोड़ी हूँ यार, मैं तो दोस्त हूँ, बताओ तुमने क्या तैयारी की इस बारे में, बताओ पहले क्या क्या सुनाने वाले, ये बताओ। मैं सॉरी इंग्लिश की बोयम। ठीक है ना इंग्लिश की, तू कैमरा ठीक करो ना, चेहरा आधा आ रहा है ना भाई। हाँ अब देख, अब स्मार्ट बॉय अब इतने क्यूट अभी है। सुनिए मैंने अभी शुरू में एक बात कही थी, आपने सुनी? आपने सुनी? मैंने 2 अक्टूबर की बात की थी, तो 2 अक्टूबर के बारे में आप क्या जानते? अभी तो मैंने सर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का बर्थडे होता है। गांधी जयंती का बर्थडे होता है? यस सर। तो बेटा ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं अगर आप इजाजत दे तो, मतलब अगर आप परमिट कर दो मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं इसको। यस सर। ऐसा है ना, जयंती ही बर्थडे होती है, जन्म शताब्दी मतलब उसको जयंती बोलते हैं हिंदू में, बर्थडे उसी का ही नाम है, ठीक है? आप क्या मोबाइल हिलाइए मत, मोबाइल को स्थिर रखिए, मेरी आंखों में थोड़ी दिक्कत। हाँ बैठे रखिए बस, दैट इज इनफ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए है ना, क्योंकि लाइव जा रहा है तो हाँ थोड़ा आप पीछे हो जाइए, कैमरे के फ्रंट आएंगे तो सिर्फ आपका चेहरा चिपक रहा है, ठीक है? एनीवे
आपने कहा गांधी जयंती का बर्थडे, गांधी जयंती ही गांधी जी का बर्थडे है। उसमें मैंने एक बार नाम बताया था लाल बहादुर शास्त्री, वो भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, गांधी राष्ट्रपिता थे जिनकी हत्या हो गई थी, है ना। yes. तो थोड़ा सा बेटा इस बारे में पढ़िएगा। एनीवेज अभी आपका स्वागत है आपकी कविता के साथ। आज किसकी कविता सुनाने वाले हैं और वो कविता किसकी आपकी है या किसी की है उसके बारे में बता के आप अभी आपका स्वागत है। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम अक्षय, हम क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम द बलून मैन है और इसके कवि का नाम रोज फ्लाई मैन है। अब आइए मैं अपने पोएम सुनाने जा रहा हूँ। He always comes on market days and holds balloon a lovely bunch and in the market square he stays and never seems to think of lunch. Red, purple, blue and green and when it is a sunny day the carts and people get between you see them shining far away. Thank you. You're most welcome. But the thing is that you know that you name the color in the poem. So can you recognize the colors you named in the poem? You know the, what is purple is? Yes, sir. You know the color, the purple color. You know the purple color. Can you recognize it if I show you that this is the color? These are the colors. And you, when you recite a poem and you say something somewhere that this is a balloon man. So. Can you identify a purple color? You know when if I present some colors in front of you, can you hear me? I'm just asking. You know, poem was very good. It was a nice poem. But the thing is, can you identify the colors when you say that the colors name the purple and other things? So you know the what is the purple color? Because I don't know the purple color. That's why I'm asking you. You know the purple color? Anyways, next time you will identify and you're welcome. And thank you for your nice poem. And you find out the, you know, the this poem is written by the poet. You know? Find out the about this poet. Thank you, Akshay. Take care. Next time we'll see. And I'll ask you all the purple color in particular. तो वर्षा मैम नेक्स्ट कौन है आप उनको बुलाइए। रजत गुप्ता। हाँ रजत जी को बुलाइए। रजत जी आइए। रजत गुप्ता जी आइए, आपका स्वागत है। यस अरे निकाल रहे वीडियो। आर यू रजत गुप्ता? वेलकम। थैंक यू, वेलकम माय डियर फ्रेंड। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड यू आर आल्सो यू नो वी बोथ हैव द दिस ग्लासेस यू आर हैविंग। ये नेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? इनका शायद वीडियो वो हो गया, हैंग हो गया शायद। अक्षय नहीं, क्या नाम था इनका? क्या नाम बताया था सर इनका? रजत। शिवांश गुप्ता, अगर वो जब तक वो सही करें, शिवांश गुप्ता को बीच में बुला सकते हैं। हाँ तो शिवांश ही आइए। शिवांश गुप्ता। यस सर। हाँ शिवांश, हाय शिवांश, हाउ आर यू? हाय आई एम फाइन। यू आर फाइन? यस। आर यू श्योर? Yes, how are you? I'm good, you know, just, I want, you know, to, you know, I want you to give a smile first to all of us. Yeah. It's very sweet, you know, you're a smart boy. Yeah. So, thank you. Dear friend, you're welcome and I hope, so, you know, which poem you're going to, kaun si kavita sunane wale hain, bataiye. Gandhi Ji. अच्छा सुनो ना, एक मिनट सुन करो। गांधी जी को प्रणाम। मेरा नाम शिवांश। अरे सुनो ना तू, कि थोड़ा कैमरे को थोड़ा ऊपर करो ना, आपका चेहरा कट रहा है। सुनो आप। हाँ आप ठीक। हाँ आप ठीक।
सुनिए थोड़ा सा। सबको प्रणाम, मेरा नाम शिवांश गुप्ता है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदरपुर नामक स्थान पर हुआ था एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को हम द पीस ऑफ मैन भी जानते हैं। अब मैं अपने प्यारे बापू के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बापू कितने प्यारे थे, बापू कितने न्यारे थे, जो कहते करके दिखलाते, वीर पुरुष वे कहलाते, नहीं झुके अंग्रेजों के आगे, टिके रहे अपनी धुन के आगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं आपसे बात करूं? आपसे बात करूं? यस। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई पहली बात, तो उसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। अब जो है सवाल है कि आपने गांधी जी और शास्त्री जी बहुत अच्छी बातें कही जो मुझे भी नहीं मालूम था। तो आपको मालूम है कि पोरबंदर कहाँ पर है? नहीं। तो कौन लिख के दिया था आपको ये बताओ? मैं अपने से लिखा हूँ। आप अपने से तो लिखी हो, लेकिन आपने पता नहीं किया कि मैंने कहा कि अब मेरा जन्म कहीं हुआ तो आप मुझे बताइए कि अब मैं कह दूंगा कि तुम तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि मेरा है? शायद गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है मेरे दोस्त, ये तो बताओ। गुजरात में। बगल से कौन आपको बता रहा है ये सब चीज? ये सब एक गलत बात है ना। गुजरात कहाँ? गुजरात आपको मालूम? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़िए। आपने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, ये इस तरह से नहीं होती है। आप अगली बार जब पढ़े तो पीछे से आपको बताते उनको कहिए कि पूरी बात बता, आपको बताए। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, इसके लिए मैं ताली आपके लिए बजा रहा हूँ। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। थैंक यू। लेकिन अगली बार जब आप पढ़े, मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा, मैं आपको दोस्त हूँ, मैं आपको आपसे जानना चाहता था, मैंने बातचीत की। तो जब अगली बार आप किसी स्थान का नाम पढ़े तो पता करे वो स्थान कहाँ पर है। आजकल गूगल मैप बहुत बड़ा है, कर रहे हैं, है ना। तो ये जरूरी है कि आप आए और चीजें बताएं। सर, हेलो सर, हेलो सर, सॉरी मैं आप बीच में रोक रहे हैं। सर आरुष का करा दीजिए, उसको कहीं जाना है प्लीज, बस एक कोई दिक्कत नहीं, एक उसका सर बुला दीजिए और उसको बुला दीजिए। थैंक यू सर। अरे मोस्ट वेलकम, ये लोकतांत्रिक हमारा वो मंच है, कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिसको अवश्यकारी पहले उनको दी जाएगी सेवा, इमरजेंसी सेवा यहाँ पे। बुलाइए बुलाइए, वैसे भी नाम तो सर ही बुला रहे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, नहीं मुझे मोबाइल देखना पड़ेगा, तो मैं चूंकि उसमें हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें हो जैसा मैं चाह रहा हूँ, वैसे मतलब नाम ले आएंगे हम लोग, किसको लेना है। साइन सर बुलाइए कि जिनको जिनका जिनको कहें लेके आइए, उनको बुलाइए। हाँ आरुषि, आरुषि आ गया। आरुष गुप्ता क्लास नाइन्थ। अच्छा ये पिछली बार थे क्या जी? मैंने पहचान लिया ना, कहाँ है वो? स्क्रीन से गायब हो गए, स्क्रीन में नहीं देख रहे, मेन स्क्रीन में वो नहीं आ रहे हैं। आप आ रही हैं, वर्षा मैडम दिख रही हैं, हम तो आरुष नहीं दिख रहे। आरुष आइए, आप दिखाई देंगे। हाँ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है यार, कहाँ के हिमालय है कि कहाँ का है, कहाँ का लाए हो यार ये बैकग्राउंड जो है? हेलो आरुष, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके सो ओके, आपको हिंदी आती है? मैं अंग्रेजी बोलूं, आपको इंग्लिश बोलूं? यू कैन स्पीक इन हिंदी। यू कैन ओके। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पीछे एक माउंटेन का रेंज दिख रहा है, वो कहां का है यार?
Oh, I don't know. You don't know? Anyway, so are you going to present your own poem or you know someone else's poem? My father wrote this poem, so I'm going to say it. Okay. You're from Canada or somewhere else? You're from, you know, I think you're not from London. England. Okay, you're from London. Okay, good. So the thing is, you're most welcome and okay, come with your father's poetry and please mention your father's name with the poem. Okay? Okay. Please. This poem is dedicated to all who loved and believed in Mahatma Gandhi's principles. All the pain and miseries disappear once we unite together, but bad things don't last forever. The moment you conquer your fear, a new sun in you will appear. Bad things don't last forever. Leave your unsuccessful past behind. Excel in a new life with a new frame of mind. Bad things don't last forever. Respect your elders every day. Share your knowledge always. Good things last forever. Never shy away from hard work. This is the way to progress always. Good things last forever. Have love and affection in your heart. Don't let jealousy take apart. Good things last forever. It is time to remember and we will all get rewarded as per your endeavor. Good things last forever. See no evil, hear no evil, speak no evil. These are the mantras for happiness. Don't forget to praise your loved ones. Are you done with this? Yes. Okay. So, may I ask, you know, a few things? You know, I want to know. So, do you know the full name of Mahatma Gandhi? No. You don't know? No. Okay. Mohan Chand Karamchand Gandhi. Okay. Mohandas Karamchand Gandhi. And other thing is, you are in Britain actually. Hmm? You are in London, you are in Britain. So yes. Do you know about the Churchill thoughts? The Churchill thoughts of Gandhi, you know? What Churchill. Churchill, he was a. ये किसका स्पीकर आ रहा है बंद करिए प्लीज चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ओके सो डू यू नो द व्हाट द चर्चिल यूज्ड टू थिंक अबाउट गांधी हेलो आरुष आई एम स्पीकिंग टू यू हेलो या आई एम स्पीकिंग टू यू So, yeah. I asked, you know, do you know the Churchill, the Prime Minister of Britain at that time? Yes. Yes. Yeah, so, yeah. You know the Churchill's thought about Gandhi. Do you know? No. You don't know? Okay. I hope that, you know, next time they'll find out about Churchill and Gandhi and, you know, Gandhi's birth. And, you know, I mean, the poetry is okay. You know, you read out something and good things last for, you know, a long, long time. But the thing is, what are the good things? You know, good and bad, it defines, you know, it varies from person to person. Like, you know the Ramayana story. Yes. If Ravana does something, Ravana says, I am right. This is good. Rama does something, Rama says, this is right. So who, you know, we are the watcher, you know, we are watching actually, we are spectator. And we don't know, which is good. So similarly, when you read about Gandhi, you know, a poetry, you must know about Gandhi. His struggle. He did his, you know, law from Britain. Did you know that? Did you know that? Okay. Yes. Better, you know, thank you, and you're a very charming person. Thank you. Good. Okay, take care, bye. Science, next, who will you? Okay. तो अगला हमारे हैं कीर्ति गुप्ता हमारी वर्षा मैडम हमारी सारथी है मतलब जहाँ भटक जाते हैं वहां पे रथ खींच देती है अच्छी अच्छी बात है ना कोई तो सारथी बना है अरे तू हमको चाहिए ना भाई कृष्ण लड़ने गए थे अर्जुन लड़ने गए तो कृष्ण बने थे सारथी आप कृष्ण है हमारी और क्या अरे वाह थैंक यू सो मच लेकिन मुझे लगता है कि कार्यक्रम का संचालन ठीक ठाक हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है
कहीं गलती करते हो तो मतलब लाइव है उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग सुने, हम गलती कर सकते मनुष्य है, रोक दीजिए बताइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लाइव कार्यक्रम में भी हम गलती को सुधर सकते हैं। हाँ तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आए है ना, बात करें जी, कभी उनको उनको प्रस्तुत कीजिए जो भी नाम, मैं मोबाइल ऑफ है इसलिए मैं आप लोगों से अच्छा से बोलना, बोलिए बोलिए माइक खोलिए बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज कीर्ति गुप्ता, आई एम स्टडीइंग क्लास 5। आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है प्यारे बापू। अरे कीर्ति कीर्ति सुनिए ना, मेरा नाम नित्यानंद है ठीक है, जैसे आपका नाम है, आपका मुझे तो पहले आपका जो हेयर कट है आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है आपका हेयर कट है ना, ये जो सामने ऐसे मतलब ये बहुत सुंदर है हेयर कट ठीक है ना, आप तो स्मार्ट है ही। आप फिफ्थ क्लास में, पता है आपको मैं जब फिफ्थ क्लास में था एक बार मेरे बाल बड़े हो गए थे और मैं स्कूल गया तो हमारे जो पीटी आए थे उन्होंने बाल पकड़ ऐसे करके मारा, मुझे बाल क्यों बढ़ाए, आपने कहा कि लड़कियों को नहीं बोलते अगले लड़कियों के बाल नेचुरली लंबे होते हैं, तुम लड़के तुम ऐसे बाल क्यों रखे, हीरो बनोगे, हमको पीट दी। आप क्या है कि आप आई प्यारे बापू सुनाने वाले, तो बताओ कि पहले बापू पे बात कर लेते हैं, गांधी जी को बापू हम क्यों कहते हैं, नहीं आता मैं बताऊंगा ना, जरूर नहीं डरना नहीं है, सवाल नहीं है ये, कोई आपका एग्जाम नहीं ले रहे, मैं आपको इसलिए बोला है कि आप तो दोस्त है, आप गंपा जी दोस्त है, मैं थोड़ा सा मैं वैसे ही मैं भी दोस्त हूँ, मैंने आप देखे हो ना मैं कैसे हंस के बात करता, आपको कविता नहीं सुनिए, आपको ये जितने लोग है ना ये वर्षा मैडम है ना ये सब ऐसे ही है हमारे ग्रुप के, इस तरह के हम लोग थोड़े से वैसे वाले दोस्त है, आप भी हमारी दोस्त है, आप बताइए ना ये जो प्यारे बापू वाली है ना कविता तो सुनेंगे, कविता आपकी है, आपने लिखी है? किसकी कविता बेटा, नाम नहीं पता है, अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार नाम पता कर लीजिएगा। तो सुनो गांधी जी को बापू बोलते थे, बात बताए, पहले आप कविता सुनाइए, आपका स्वागत है, आप कविता सुनाइए। राष्ट्रपिता तुम कहलाते हो, सभी प्यार से कहते बापू, तुमने हम सबको मार्ग दिखाया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हम सब तेरी संतानें हैं, तुम हो हमारे प्यारे बापू, सीधा साधा वेश तुम्हारा नहीं कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने वाले बापू तेरी शान, एक लाठी के दम पर तुमने अंग्रेजों की जड़ें हिलाई, भारत माँ को आजाद कराया, रखी देश की शान, थैंक यू। अरे वेरी गुड, बहुत सुंदर, आप सुनिए अब आपको बहुत मतलब आपने जब कविता सुनी ना तो मैंने सुना मेरे मन में कैसे ऐसे हुआ, कीर्ति हमको बताए अंग्रेज कौन थे बेटा, अंग्रेज कौन थे, कहाँ के लोग थे अंग्रेज कहाँ के लोग थे, जैसे हम लोग है ना मैं और आप भारतीय हैं, आपने कहा अंग्रेज है, इंग्लैंड, वेरी गुड इंग्लैंड, अच्छा अहिंसा क्या होता है, अहिंसा क्या चीज, कोई आपको बता तो नहीं रहा ना, आप हमको देख के बात कीजिए, हमको बात नहीं करना, आपको नाम बता देंगे ना, ये अहिंसा क्या होता है, अहिंसा जो मार पीट ना करे, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, आई लाइक दैट, वेरी गुड, आपको ये बहुत सुंदर है, अब अभी काम करेंगे इस ये कविता है इसको आराम से पढ़ेंगे, बापू वो बच्चों के थे और बापू बोलते थे, राष्ट्रपिता भी थे, राष्ट्रपिता द फादर ऑफ देश है ना, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, और आपने आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी है ना, आपने बहुत सुंदर पाठ भी किया ये लड़ाई, तो कीर्ति आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छा पाठ करती है, लेकिन मुझे कविता लिखी इस बारे में आप पता कीजिए है ना, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो वहां मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि थोड़ा सा बापू के बारे में हमको हमको ज्यादा नहीं मालूम है, हम आपसे जानेंगे है ना, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो चीजें आप देखती हैं आसपास फूल पत्ती उनको कविता जैसे कविता पढ़ती है ना तो आपको पता चले कविता कैसे लिखी जाती है, तो आप कोशिश करेंगे कविता लिखने की, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा कविता लिखता हूँ, कविता क्या लिखेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण, ऊपर देखा नीलांबर, नीलांबर नील अंबर, नील का कलर है, अंबर मतलब आकाश, ऊपर देखा नीलांबर, ये छोटी सी बात दे दीजिए कि मैंने देखा पेड़
पेड़ पे बैठी तितली, तितली थी रंगीली, उड़ती रही फुरफुर। ये ना कविता ऐसी लिखी है, जो आप देखते हैं हम उसको जब ऐसे लिखते हैं राइमिंग में तो कविता आप कोशिश करें, है ना। टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। चलिए तो शाइन सर, वर्षा मैडम जो भी नेक्स्ट है उनको आप बताइए। नित्या गुप्ता सर, हाँ वो पिछली बार भी थी, नित्या गुप्ता का नाम मुझे वो नाम याद है, मेरा नाम मिलता है ना इसलिए। अच्छा इसलिए याद आया था ना, ये जो अब हमारे जो लंदन वाले भाई, नाम तो उसका भी याद था। अच्छा मम्मी की पीछे, मम्मी उठ के गई थी, अच्छा मम्मी किसी से बोल रही थी, मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सब परिवार का हिस्सा चल रहा है यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, पूरा परिवार है, हम लोग कल्लोल एक परिवार है सर, कल्लोल ही परिवार है, हम लोग कहते ना कि हाँ लेकिन संग परिवार। चलिए आइए आइए सर, कहाँ हो आप, हो कहाँ, कहाँ है आप दिख नहीं रही है, बताइए कहाँ है। बोलू नित्या गुप्ता, हाँ सुनाइए, पता नहीं कहाँ गए आप, बोलिए। हाँ माय नेम इज नित्या गुप्ता, माय नेम इज नित्या गुप्ता, वेरी गुड, आई एम आल्सो नित्या। आपको एक पोयम सुनाने जा रही हूँ, सूरज। सूरज रोज समय पर आता, धरती पर किरने बिखराता, पूरब से पश्चिम में जाता, धान नहीं मेरा मतलब सूरज रोज समय धरती पर किरने बिखराता, पूरब से पश्चिम में जाता, ठीक समय पर है छुप जाता, रंग बिरंगे फूल खिलाता, धान और गेहूं है उगाता, पूरब में हमता सागर से यह भाप उठाता, बादल से पानी बरसाता, सूरज रोज समय पर आता, धरती पर किरने बिखराता, थैंक यू, मोस्ट वेलकम स्वीट, वेरी गुड, सामने रखा हुआ था वो लिख के दिया था आपको पढ़ने के लिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा नहीं मुझे याद है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, याद है, हाँ हाँ वो हम आपकी आंखों में पढ़ रहे थे, आपको कितना याद है, हमको देख लिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, हम आंखों में पढ़ते हैं ना बेटा, हम मास्टर रहे हैं स्कूल में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सबसे छोटी पार्टिसिपेंट है सर, अरे हम तो सबसे छोटी पार्टिसिपेंट सर, राइमा, हाँ बुलाइए बुलाइए राइमा गुप्ता, राइमा गुप्ता जी जी, राइमा को बुलाइए, राइमा आइए, आइए आइए राइमा, सब हमारे दोस्त है, छोटे बड़े का क्या होते, सब जी छोटे का क्या दोस्त है हमारे, कभी भी आए, हाँ राइमा आइए, क्या बेटा माइक ऑन करो ना, आपका माइक ऑफ है राइमा का, हाँ माइक ऑन कीजिए और आइए मेन स्क्रीन पर आइए, आप उनको मेन स्क्रीन पर लेके आइए सर, बड़ी इंग्लिश पोयम है, हाँ कोई बात नहीं, हमको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती है, इंग्लिश की मैं जानता हूँ, बताइए सुनाइए आप, दिख नहीं रही, आपका चेहरा नहीं दिख रहा बेटा, आपका क्या, वन लिटिल फिंगर टैप टैप टैप, पॉइंटेड टू द सीलिंग, पॉइंटेड टू द फ्लोर, एंड ले इट इन द योर लैप, बस इतनी पोयम थी, देखो तो ठीक है कविता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप दिखे ही नहीं, आपका कैमरा कहाँ गया था, आपका नाम और कैमरा दिखे ही नहीं, ये कैसे हो गया, कैमरा बंद की हूँ मैं, तो ऐसे तो ऐसे तो चलता है, आप दोस्त बोल रहे हैं कैमरा बंद करके, कैमरा ऑन कीजिए,
ये तो नहीं होता ना भाई, नाराज भी हो गए थे, जामरा खोली है हम देखेंगे ना। हाँ देखिए, अब आप दोबारा, अब दोबारा सुनाइए। थैंक यू, अब दोबारा सुनाइए। थैंक यू, प्लीज प्लीज सुनाइए। One little finger, tap, 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 pointed to the ceiling, pointed to the floor, and lay it in your lap. Thank you. You are not supposed to stop the camera when you are, you know, performing something live. Okay, dear? On the camera. Yes. Thank you. Nice poem. Take care. Bye-bye. नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट नाम जो भी है, मायरा साहिन अंसारी। अरे मायरा साहिन अंसारी साहब, साहिन मतलब मैं जानता हूँ जो है ना वो एक्सपर्ट है, वो अच्छा पढ़ती है ना। आइए आइए। हेलो बोलो, कैमरा ठीक करो पहले बेटा। ये नहीं है कि मतलब पापा की राज है तो वो चलेगा अपना, जो है फिल्म इंडस्ट्री वाली नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा, डांट देंगे सर। थोड़ा सा पीछे, मेरा नाम आप थोड़ा पीछे हो गए, हम आपका नाम जानते हैं, अब आप सिंपली कविता पढ़ लीजिए। मेरी कविता का नाम है हवा। ऊपर इस कविता को शिव चरण सरोहा ने लिखा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली, साएं साएं मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं, उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंस कर। हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गों में ले जाऊंगी। धन्यवाद। फुग्गो क्या होता है बताओ? फुग्गो, फुग्गो कहाँ हो जाना था? अरे कहाँ गायब हो गई हमारी जो कवियत्री, बुलाइए कवियत्री को स्क्रीन पर लाइए। आप सुनो पहले की तीन लाइन, आप सुनाओ पहले की तीन लाइन, आराम से सुनाओगे। मैं वो, मैं घर का आदमी हूँ यार, कभी भी आप मिलो ना, पकड़े सब मिल लेना, बाल पकड़ के खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कविता है ना, कभी भी मिल लेना, पकड़ के साथ बाल पकड़ के खींच लेना। सुन पहले की तीन कविता सुनाओ, तीन लाइन सुनाओ। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली, साए साए मैं कविता आपको सिखा दूंगी, आप लगातार आ रही है तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा, क्या था ऊपर नीचे, क्या बताओ आप बताओ भाई? ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली, साए साए, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली, साए साए कविता। कविता में जब आप बात करें कविता के भाव, हवा कैसे चलती आप सुनेंगे, जब हम चलती कविता लिखी जाती है, इसलिए आपकी लिखी बड़ी है, आप गानी मेंबर भी है, तो मैं उसको भी बता रहा हूँ, मैं तो दोस्त हूँ ना, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कविता कैसे बड़ी। ऊपर नीचे साई बाई हवा चली, साई साई, आप समझ गए कविता की कविता कैसे। आप अच्छा पढ़ती है लेकिन मैंने थोड़ी सी लिखी थी, बता दी कैसे पढ़ेंगे तो अच्छा कम्युनिकेट है कि नहीं, समझे? गुस्सा तो नहीं हो ना, मारोगे तो नहीं ना? चलो ठीक है, अच्छी कविता थी, ठीक है, ख्याल रखिए, चलिए है ना। नेक्स्ट उनको बुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा मायरा, बहुत बहुत अच्छी कविता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करें। तो कविता भी इस तरह से पढ़े, गैप देखें और जो भाव आते हैं उसको आप करें, जो आप भी सुने होगा ना, हवा चलती है साए साए खुले हवा में, तो उस तरह से कविता को प्रस्तुत आप करें, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट हाँ, पावनी शुक्ला, लखनऊ, फ्रॉम लखनऊ। आइए आइए, हमको यहाँ पे तीन लोग। नमस्ते सर, माय नेम इज पावनी शुक्ला, मैं क्लास सेकंड में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक पोयम सुना रही हूँ। सुनाइए सुनाइए। ठंडी आई, पहली सब्जी आई, सब दुबले चाहे ना ना
लाल हो गई, सुखड़ी सबकी चाल हो गई, पिटोर रहे हैं, काप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप रहे हैं। थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगले पार्ट अगले उनको प्रतिभागी को बुलाइए। हारा श्रीवास्तव फ्रॉम नॉर्वे। Hello, Shrostha. Yes, ma'am. Okay, you just place your camera first because your face is it's not visible. No. Is it better? Yes. It's now come to the main screen. Come to the center screen. साइलेंसर कहाँ है? मेन को सेंटर स्क्रीन में कीजिए, है ना? अरब को कीजिए सेंटर स्क्रीन पे। और अभी भी आपका चिन जो है, मतलब दिस पर्सन इज नॉट कमिंग इन द कैमरा। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो यू नो योर कैमरा इज स्टिल, योर कैमरा योर हाफ स्पेस इज यू नो फेस इज कमिंग एक्चुअली। ओके, यस, नाउ इट्स ओके। Okay, so I mean, you come with your poetry, whatever. You're welcome. Sir, can I start? Yeah, sure. Most welcome. Okay, sir. Your picture is, you know, not visible. हमको तो वर्षा नाम देख रही है। शाइन सर कहाँ चले गए? अरब अरब हाँ, तो सर ये अरब को ले आइए ना मेन स्क्रीन पर। ये क्यों हो रहा है? सर कैन आई राइट से ऑफ एनी फोन? ये आ गया आ गया। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ओके सर, बट द थिंग इज यू नो व्हेन यू रीड आउट, सो रीड प्रॉपर्ली एंड यू नो after that we'll discuss something. Can we discuss after that? When you know? So I have to say something about that poem? No. It's general. You know, if you read out something, if I don't understand something, then I may ask something. Okay sir. Yep. Thank you. Good morning everyone, and my good morning everyone. I am Arash Srivastav from class 6B. I am going to tell you the poem Chaand Se Thodi Si Gappe. Who is the poet of this poem? Is Shamsher Bahadur Singh. Gol hai khoob magar ab tithe nazar aate hain zara, ab pehne hue hain kul aakash tano jara. सिर्फ मुंह खुले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोर मटो, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, अब तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि हमको बीमारी है। थैंक यू। आप क्लास सिक्स में है ना? यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू अंडरस्टैंड? यस सर, अ लिटिल बिट। ओके, सो ओके, आई टेक यू। सो दिस पोयम इज ऑल अबाउट द मून एक्चुअली। यू नो प्लीज प्लीज यू नो स्टेबल योर फेस एंड द कैमरा, यू कैन टॉक little bit, you know, it is just a conversation, so don't take it as you know, question and answer. I'm asking you, do you know who was the first person, you know, to step on moon? It's about a wait, who was the speaker? No, who was the first man, you know, who landed on the moon land? First line? Yes, who landed on moon first? Yes, It was गोल है खूब मगर अब नो, आई एम आस्किंग द पर्सन हु लैंडेड ऑन मून फर्स्ट। ओह, नील आर्मस्ट्रांग। या, दैट्स ग्रेट।
सही है ना, वो जो चांद है ना, वो ऐसे पर में दिखता है कभी ऐसे, वो तो आपको मालूम होगा ना क्यों दिखता है, यू नॉर्वे यू नो, एंड नॉर्वे इज यू नो फार फार अवे, इट्स यू नो वेरी दैट साइड ऑफ दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समवेयर, यू नो इट्स वेरी कोल्ड प्लेस, सो यू इन नॉर्वे, एंड नॉर्वे इज यू नो समटाइम्स कॉल्ड लाइक द लैंड ऑफ घोस्ट, यू नो बिकॉज़ वेरी फ्यू पीपल आर देयर, वेरी वेरी कोल्ड. So I have few friends on Norway. Anyways, it was a nice poem, and I hope that next time you'll find out more and more about this poet here, this Indian poet. You're in Norway. So how you are feeling in Norway? How long have been you are living there in Norway? For like 1.5 or 2 years. Okay. So and before that you were in India. Yes. And you in 1.5 year you lost your language. How is possible? And you are from which part of India? Which part? Yes, which part of India? You're from India, no? So you're from which part of India? Maybe Uttar Pradesh, maybe UP. Yes, UP, sir. Yes. Then how is possible that you lost your language in 1.5 year? You know, by going there in 1.5 year, you lost your language. You said I understand little bit. How is it possible you're in the 6th standard? So I wanted to ask you, because I left my place when I was in 3rd standard. I you know, still I remember my language. The thing is how you lost your language. And, you know, I'm very curious to know that, how it happened. Okay, find out next time, I'll ask you. Thank you. Take care. Thank you, sir. गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रिफत परवीन. यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कैमूर बिहार. कैमूर बिहार. सो मेरी आपका नेट स्लो है क्या? आपकी आवाज अटक रही है, वीडियो अटक रहा है. प्रभात का कनेक्शन देखिए क्या है, ताकि कुछ हैंग हो रहा है. सर सर्वा सर नाइन सर हेलो रफत, आपकी आवाज बेटा कट रही है. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ रिफत बताइए. हाँ रिफत. हाँ हेलो. हाँ रिफत बोलिए. ओके, सो माय पोयम नेम इज सफर. ओके आगे बारी. यार मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर में ही रुक जाता हूँ, मंजिल तराशते हैं इन आंखों से, सफर में ही ठहर जाता हूँ, जब तक जान है चलता रहूंगा, यूं सफर में आगे बढ़ता रहूंगा, कुछ सफर तय करके भी रुक गए, मैं रुक के भी चलता रहूंगा. तो रिपति किसकी पोयम है? ये पोयम किसकी थी? हेलो बोलिए, ये पोयम किसकी थी? योर वॉइस इज नॉट क्लियर. रिफत आपके बैकग्राउंड में लगता है जब ऑन है कुछ, आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं है. रिफत आपके बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है. ये रिफत का अपना पोएम है. वो अच्छा बताएगा ना, आप नहीं बताएगा. हाँ क्योंकि जो भाषा है जो पोएट्री की. हेलो आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है. आप बताइए. हाँ, this poem is written by me. आवाज आ रही है आपकी. आप बोलिए. ओके थम सा गया मेरा आशियाना, थम सी गई.
हमसा गया मेरा आशियाना, ठीक है? यस। आप किस क्लास में हैं? आई एम इन 11th। अच्छा, आप 11th स्टैंडर्ड में हैं। आप हिंदी में कई कविता सुना रही है तो हिंदी में आप बात कर सकती हैं, ठीक है? हिंदी में आप बता सकती हैं, ठीक है? It doesn't matter whether you're in 11th or you're in somewhere else, you're in the first year. But the thing is, when you write something in the language, then you should communicate in that similar language. Okay. And you're from Bihar. So it's nice that you speak good English. And I'm happy. Okay. But the thing is, what do you understand by ASEAN? And from ASEAN is a... Tell. आशियाना एक सपनों का घर बोल सकते हैं, आशियाना जहाँ आप रहते हो, जहाँ कंफर्टेबल फील करते हो, दैट इज समथिंग आशियाना। ओके, गुड। आशियाना सपनों का ही घर होता है या सिंपल घर भी हो सकता है? क्या आशियाना सपनों का ही घर होगा या सिंपल सामान्य मेरा घर भी आशियाना हो तो सपनों का नहीं है मान लीजिए? आशियाना वो No, that is something जहाँ आप comfortable feel करते हो रहने में, जहाँ आपको अच्छा लगता हो, family हो, something ऐसा। अच्छा, ऐसा होता है आशियाना का मतलब। मैं आज डिक्शनरी में खोलूंगा, साइंस सर हैं, साइंस सर भी जानते हैं आशियाना का मतलब। इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आप हैं। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़े बड़े हैं तो उम्मीद लगा कि आपसे थोड़ी चर्चा करनी, ताकि हम लोग सीखे, हम लोग ये जो बूढ़े बूढ़े तीन लोग बैठे हैं ना, ये वर्षा मैडम जो है, ये साइंस सर है, ये हम लोग थोड़ा वर्षा मैडम थोड़ी यंग है, हम लोग, मैं तो बूढ़ा गया, मेरी तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई, थोड़ा मुझे हमको समझा दीजिए। वर्षा मैडम बुरा मान जाएगी बात, ऐसे बोल दीजिए सर, अपने ग्रुप में कैसे शामिल कर लिया, ठीक है? बताइए। ओके, तमसी गई मेरी दुनिया, हाँ ले ना तकदीर, बदली तो बस मेरी सोच और बन गई खूबसूरत तस्वीर। वेरी गुड। तो ये सिलसिला चलता गया। व्हाट इज तकदीर जी? व्हाट इज तकदीर? तकदीर इज किस्मत। किस्मत, व्हाट इज किस्मत? आई डोंट नो। किस्मत इज डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी। हाँ, आपकी किस्मत, डेस्टिनी समथिंग। तो आपको लग रहा है कि जो सर होने वाला, हाँ, आपको लग रहा है कि सर तंग कर रहे हैं, मैं एक्चुअली सीखना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा कि जो बड़े बच्चे थोड़ा उनसे हम सीखेंगे, हम लोग तो पिछले बार तय हुआ था कि थोड़ा हम लोग सीखेंगे कि जो नए नए शब्द आते हैं हम लोग। ये वर्षा मैडम, कोई बात नहीं, वर्षा मैडम नहीं जानती है, उनको नहीं मालूम था। सॉरी सर, नहीं सर, सर सर किस्मत में भाग्य। रिफत सही है ना? रिफत सही बोला ना हमने, भाग्य। और इसकी जो एक्सचेंज में बात कर रही है, ये लगातार जो है इसकी एक्सचेंज जो है, हमको लगा वो जो लड़का भी मिला था हमको नॉर्वे वाला, ठीक है, तो इनकी एक्सचेंज जो हमको लग रहा है कि ये कभी लालू या नीतीश को कभी ये सामने मिल जा रही है बच्ची कविता सुना देते, हमको बोलेंगे का बबुनिया का सुना है, वो लगता है कि थोड़ा हमको ऐसा बच्चा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो वो नहीं मैथिली में चले जाए, बोले की हाल चे, बोले नीक छे, बोले ना ना ठीक छे, तो ये सब हो जाएगा। एनीवेज, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर आपने कविता लिखी है तो मेरी ओर से ये है कि आपकी भाषा और शब्द चयन बहुत। सर एक मिनट, मेरी कविता अभी है। अच्छा, सुनाइए सुनाइए, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ सुनो, कोई बात नहीं, जिज्ञासा बढ़ गई थी ना, एक्साइट हो गए थे आप, सुनाइए। शुरू से पूरा सुना दो। ओके ओके, मंजिल तक मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर में ही रुक जाता हूँ, मंजिल तराशते हैं इन आंखों से, सफर में ही ठहर जाता हूँ, जब तक जान है चलता रहूंगा, यूं सफर में आगे बढ़ता रहूंगा, कुछ सफर तय करके भी रुक गए, मैं रुके भी चलता रहूंगा। थम सा गया मेरा आशियाना, थम सी गई मेरी दुनिया, ना हालात बदले ना तकदीर, बदली तो बस मेरी सोच और बन गई खूबसूरत तस्वीर। ये सिलसिला बस चलता गया, सुबह से शाम में ढलता गया, जिक्र हुई जुबान पे उन दिनों की, जिस दिन सिर्फ मैं था और मैं ही चलता गया। खुशी मनाओ या जाहिर करूं, जिक्र खुदा का करूं या दूसरी ख्वाहिश रखूं, भीड़ की महफिल में बेसब्र खड़ा हूं, इनसे दूर कैसे जाऊं इसी सोच में पड़ा हूं, सोच है कुछ करने की पर मंजिल पर रुक जाऊं या सफर में ही खड़ा रहूं। थैंक यू। कविता आपकी है, लेकिन इसमें जो जेंडर वाला है वो लग रहा है कि किसी पुरुष ने कविता लिखी। कि कौन सा? ये कविता आपकी कविता है ना? यस सर। लेकिन इसमें सब जगह पे है, कहीं आपने ये नहीं कहा कि मैं करती रहूं, ये उसमें सब जगह पुरुष वाला संबोधन आया है। कौन सा वाला? भाई आप कविता पढ़िए, आप क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा चलता रहूं, मैं करता रहूं। हां हां, करता रहूं कौन बोलता है?
मेरा सवाल अब ये है, जब आप जब नेशनल कविता आप लिखते हैं, yes. मुझे आती कि मैं ऐसा करती रहूं, मैं आगे बढ़ती रहूं, एक मिनट एक मिनट सुन तो लीजिए दोस्त, सुन लीजिए हम सवाल ऐसे कर रहे हैं, हमें कोई ये नहीं है, हमको तो अच्छा लगा कि आपने उस तरह से लिखा होगा, मैं भी कई बार लिखती हूँ कि मैं नाचूंगी, है ना, मैं भी लिखूंगा. सवाल ये है कि वो जो लय आएगा ना, मैं नाचूंगी करूंगी, तो मुझे रुक रुक के करना पड़ा. आपने जिस तरह से लिखा और आपने जिस तरह से कविता पढ़ी, वो उसमें थोड़ा सा तालमेल का गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे साथ जो बाकी जो मेरे साथी हैं वो भी एग्री करेंगे, इस पूरी कविता में कहीं आपका आपकी मौजूदगी है ही नहीं, मतलब एज ए मतलब आपकी एज ए ह्यूमन बींग जो आप जिस जेंडर से या आपने जो लिखी है ना कि मैं ऐसा करूंगी, मेरी बढ़ती रही, ये स्त्रीलिंग कहीं आया नहीं है, हर जगह पुलिंग. कैसे हुआ ये संभव? आप समझिए ये क्या बोल रहे हैं विफत है? विफत आप पहला लाइन पढ़ो अपना. विफत आपका वो कट गया, वो चलिए एनीवेज चलिए ठीक है. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है अर्णव श्रीवास्तव फ्रॉम नॉर्वे. अरे अर्णव तो पढ़ गए ना अभी. आरव हुआ सर, आरव. नाम अर्णव. बहुत गड़बड़ आपने कर रखा है नॉर्वे. आओ यार दोस्त, आओ नॉर्वे के दोस्त, आओ. आई लाइक नॉर्वे. कोई बात नहीं, उसी वाले चेहरे पे हंसी आ रही सर आपके. दोनों भाई लोग हैं, दोनों भाई लोग हैं. मैं तो सबको देखा ना, नाम ही नित्यानंद. मैं क्या करता, मेरे को हंसी आती है सबको देख के, मैं तो खुश होता हूँ. पूरा परिवार है ना, क्या करें, सब आए. अच्छी बात है, हंसना एक अच्छी कला है सर. हंसना एक अच्छी कला है. बुलाइए बुलाइए. मुझे को आया ना कि चाहिए. क्लास 9th फ्रॉम नॉर्वे. नॉर्वे आइए जी. नॉर्वे मतलब जाने का मतलब रहने का घर मिल जाएगा ना, कभी गए तो अगर हम लोग भटक गए. नित्यानंद जी आपका म्यूट हो गया है. नित्यानंद जी आपका म्यूट हो गया. अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा म्यूट वहीं से हुआ होगा, आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं. मैंने कुछ म्यूट नहीं किया, मैंने कुछ छुआ ही नहीं. मैंने कुछ नहीं छुआ सर. ठीक है, आ रहा था, मैं उसको म्यूट कर रहा था, वो आपका आ गया ऊपर. हाँ तो आपने कुछ उधर से किया, आप कर दे रहे हो और हमको दोष दे रहे हैं, तो गजब बोल रहे भैया. दोष नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं. GST आप लगा रहे हो और हमको कह रहे हैं कि आदमी टैक्स नहीं भरता, तो क्या करें. चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं. हाँ बुलाइए मैम. वैसे मैम बुलाइए उनको. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. है आपके. अच्छा सुनिए, इससे पहले जो आए उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, आपने बोला गुड इवनिंग, तो मेरे को पता चल गया कि टाइमिंग का क्या चक्कर है. दोस्त इमर को पहले ये बता दो यार, आप जो है ना, आपको अच्छे दोस्त नहीं बताइए. वो इससे पहले जो आए नॉर्वे से अपने हिसाब से बोला, ये आप ज्यादा बोल रहे हैं. अरे तो भाई हम पूछेंगे ना, हमको तो थोड़ा सा जानना है ना. हमारे मित्र है भाई, हमारे दोस्त है, हंस रहे. ये इनके चेहरे पे कम से कम स्माइल हो तो बहुत सीरियस है, ये समझ जाएंगे. ये समझ गए. तो यार ये बताओ कि ये टाइमिंग का भी वहाँ क्या टाइम हो रहा है आपके यहाँ? आप आओ ना. 7:15 है. 7:15 अच्छा. 7:15 ये क्या बात कर रहे हो, इंडिया का टाइमिंग है वहाँ पे? सर इंडिया में ही हूँ. अच्छा आप इंडिया में. बोले हमको वर्षा मैडम बोले कि आप नॉर्वे से. नॉर्वे में थे. अच्छा नॉर्वे में थे, मतलब अभी भी पुराना चल रहा है. अक्षय कुमार अभी बोलता है कि मैं कनाडा का नागरिक हूँ, इंडिया का. वेलकम, थैंक यू. बोलिए बोलिए, मजाक कर रहा था, आप हंस सकते हैं. सुनाइए बताइए क्या लेके आए. गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अर्णव श्रीवास्तव. आई स्टडी इन क्लास 9th एंड आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग माय कविता ऑन गांधी जी. माय कविता. वेरी गुड. माय कविता. ये खुद से लिखी हुई नहीं है. नहीं कोई बात नहीं, लेकिन माय कविता ऑन गांधी. ओके सर. एनीवेज ओके, वेलकम प्लीज. गली गली भैंस से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजों जिलादों के सांसों तक पर रहमे थे. 200 वर्ष तक हमने गौरों की करी गुलामी, और फिर जब तुमने अलग जलाई गौरी नस्ले कांपी. और
बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गए शैतान, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। किसने लिखी कविता ये? सर वो तो नहीं बताया गया था। कौन दिया आपने कविता पढ़ने के लिए? You're in line stand, right? You must have something that you got something you read out on online something. May I ask this? Who gave you this prayer? Sir, मैंने खुद ढूंढा है। नहीं, आप ढूंढा होगा तो आपने ये भी देखा ना किसकी कविता है, कहाँ से ढूंढा? सर वो तो नहीं बताया गया था। नहीं पर आपने कहाँ से ढूंढा है कविता, कहाँ से ढूंढी आपने? सर ऑनलाइन। ठीक है है ना, पर अगली बार ये करें जब आप कविता खोजें और आपको कहीं प्रेजेंट करना हो तो मुझे लगता है कि बिना रेफरेंस के किसी कवि की कविता पढ़ना अपने आप में क्राइम, इस वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, यू कैन नॉट डू दिस। आपको पहले नहीं बताया होगा, मैं आज अपडेट करूं तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगले प्रोग्राम में किसी की कविता बिना कवि के नाम के नहीं पढ़े, इट्स अ वायलेशन। यू आर अ नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, यू आर नॉट अ फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। लेकिन सर वो बताया नहीं गया था। वो ठीक है, अगर नहीं पता तो यू फाइंड आउट अदर थिंग। अगर नहीं आपने वो नहीं चीज कविता को डालते और बार बार सर्च करते आपको मिल जाता। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लीगली जो है मैं एक कवि हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी कविता अगर कोई पढ़ते कि हमको नहीं पता कि किसकी कविता है तो ये लीगली ये वायलेशन है, कॉपीराइट का वायलेशन है, एक्ट है इसमें, आप नहीं सुना सकते। क्योंकि मान लीजिए कि जो सुनेगा, मैं तो यहाँ पूछ लिया, अगर मान लीजिए कोई और होता बोलते कि बेटा बहुत अच्छा बहुत सुंदर हुआ, मैं कोई कहीं और पढ़ाते कि बहुत अच्छी है। आप कवि का नाम अगर नहीं बताते और पता नहीं होता कि किसकी कविता आपने सुनाई तो भाई वो तो मान लेंगे कि आपकी कविता है, वायलेशन है ना। यस सर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं टेक्निकल टर्म आपको समझा रहा हूँ कि आप मैं गालिब की दो लाइन लिखता हूँ है ना कि भाई फला 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 है, पहले आती थी हर बात पे हंसी अब किसी बात पे नहीं आती। मुझे वहां लिखना पड़ेगा कि गालिब की पंक्ति मेरी नहीं है। तो जब आप पढ़ते हैं आप ये कहिए कि मेरी कविता नहीं है, मैंने खोजा तो या तो पूरा इंटर दीजिए, क्योंकि मैं ये कोई छोटे क्लास के बच्चों से नहीं बात करता, क्योंकि आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ चुका है, मैंने आपको ये बात की। ठीक है, और दूसरी बात है कि आपकी तैयारी नहीं थी पूरी तरह से, अब नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो मैं नहीं बोलता, मैं पूरी तारीफ नहीं करूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा नहीं आपने किया है, आपकी तैयारी नहीं थी, आप अटक रहे थे। और आप ये करें कविता आप जरूर पढ़े लेकिन तैयारी के साथ आए, लेकिन बेटा खोज करें तो ठीक से करें। थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, एक छोटा बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है, रजत गुप्ता, उसका सर थर्ड नंबर पे ही था तो वो जरा उसका भी करा देते तो। देखिए मैं तो अपनी ओर से माफी मांग लेता हूँ, नहीं 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 सर मैं माफी बहुत छोटा बच्चा है, मैं नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मैं क्योंकि मैंने बोल दिया, बुला लीजिए बताइए आकिब के बाद हम बुला लेंगे उसको, नेक्स्ट अभी आकिब का है, नेक्स्ट इज आकिब, देन इसके बाद रजत को बुला लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आकिब आइए, आकिब आइए। आकिब लगता है वेट करते करते थक गया। आकिब कहाँ है आप, आइए। आ रहा है, एक ही मोबाइल से तीन घंटे कवर में। गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे इज माय बर्थडे एंड आई हैव रिटन पोएम एंड माय पोएम नेम इज मेरा जन्मदिन। आज आया आया मेरा जन्म, तो यार रुको, पहले तो यार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आए साथ में, थैंक यू, साथ में उपहार भी लाए। शाम को जब पापा आए, अभी रुको, अभी रुको, अभी बात कर रहे हैं सर, आपसे बात कर रहे हैं बेटा, अभी रुकिए। अरे यार रुको, जाओ यार, मतलब इतना कैसे, हम केक थोड़ी मांग रहा हूँ यार, हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, पड़े जा रहे हो, पड़े जा रहे हो, थैंक यू, रुक तो जाओ, रुको यार, इतने को मशीन कौन बनाया यार, आया आप लोगों को ऐसा मशीन बना, कौन बना दिया, घर वालों ने बना दिया कि स्कूल वालों ने बना दिया, तुरंत शुरू हो जाओ, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, गजब गजब बात कर रही है, नहीं आवाज आ रही है मेरी। यस सर।
फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है? थैंक यू. आई जस्ट वांट टू से, आप यदि आप अंग्रेजी बोलते हो और हिंदी में कविता सुनते हो, हिंदी हिंदी आती है ना आप, हिंदी समझ आती है आप, हिंदी ऐसा yes, कि आप आए और अगली बार बोले कि मैं अपनी कविता के साथ उपस्थित हूँ, मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, ये नहीं कहना गुड इवनिंग एंड आई एम गोइंग टू, ये नहीं चाहिए. ये एक ऐसे लग रहा है कि टेप रिकॉर्ड करके बिठा दिया गया, जैसे आपको नेचुरल बात करते हो ना कि भैया मैं आज कविता सुनाऊंगा, ऐसे सुनाऊ. यदि मंच छोड़िए कि असेंबली में पहुंच गए कि आई वांट टू यू नो गिव माय स्पीच, दिस इज नॉट अ स्कूल, दिस इज अ ओपन फोरम एंड वी ऑल यू नो ऑल ऑफ यू नो एवरीबॉडी, इफ आई एम आल्सो लर्निंग फ्रॉम यू समथिंग समथिंग न्यू यू नो एवरी डे, दिस पीपल आल्सो दिस शाइन अंकल ऑल यू नो एवरीवन, वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज नो बाउंड नथिंग. सो आपको कोई बाउंड नहीं चाहिए कि गुड इवनिंग मैं आ गया हूँ और मैं ना आई वांट टू टेल माय कविता, दिस इज नॉट समथिंग, आइदर यू स्पीक अ प्रॉपर लैंग्वेज. ओके, आप ये कहिए कि सीधी सी है कि मेरी कविता आज है, मैं सुनाऊंगा. इस सबके लिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, ये जो सभी के लिए जो लोग हैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ कि आप आइए और अपनी कविता के साथ प्रस्तुत कीजिए कि आज मेरी कविता ये है, और गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज आकिब जावेद, मेरी कविता का नाम है मेरा जन्मदिन. आज आया आया मेरा जन्मदिन आया, खुशी से भरा. सुनाइए सुनाइए, अटक गया नेट, अटक गया. यह सौगात हमारा है, खुशियों से भरा ये दिन हमारे लिए बहुत न्यारा है. थैंक यू. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट को जो रह गए थे उनको बुलाइए, छोटा बच्चा जो है उनको बुला लीजिए प्लीज, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. रजत गुप्ता, रजत गुप्ता बुलाइए. और कितने लोग रह गए सर? दो तीन और लगे हैं, आशीष भी लगे हैं. हाँ वो तो यार घर की बात है ना, बाद में कर लेंगे ना, कौन से हमने जाके वो सांभर बनाना है, अभी बनाएंगे. रजत गुप्ता, रजत रजत गुप्ता, रजत भाई आइए, उनका उनका माइक माइक नहीं कनेक्टेड है, कनेक्ट कीजिए माइक. रजत आप जो अपना जो है रिकनेक्ट कीजिए, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है. अरे रजत भाई क्या माइक कनेक्ट कीजिए ना. अच्छा अरे दोस्त कहाँ चले गए? क्या मैम कहाँ है रजत, कहाँ है कौन भाई, आपने कहाँ भेज रजत को कराइए. माइक कनेक्ट नहीं हो रहा जब तक हम लोग नेक्स्ट हम लोग अर्सलान रूही को बुला लेते हैं जब तक. हाँ बुलाइए आइए. नीचे कोई बच्ची देख रही है चश्मा पहनी हुई है, वो है क्या? अर्सलान रूही है, रूही. हाँ, उनको बुलाइए 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 उनको बुला लीजिए. आपका म्यूट है रूही, आपका म्यूट है. और आवाज आ रही है? मेन स्क्रीन पे आइए, मेन स्क्रीन पे. Good evening everyone, I mean her. I'm Arsala Ruhi and I'm going to recite my poem which is written by me. ये poem मैंने खुद लिखी है. आजकल की भागदौड़ में लगता है कहीं खो सी गई हूँ मैं. मैं थमकर ये भी नहीं सोचती कि भाग क्यों रही हूँ मैं, क्या सही क्या गलत सब भूल गई हूँ मैं. दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए इसलिए बस भाग रही हूँ मैं. क्यों जरा सा थमकर ये नहीं सोचती कि चाहती क्या हूँ मैं, कि लोगों की दौड़ में भागना है या अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ मैं. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, किसी की नहीं सुनता, चाहे घड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना खरीद ली जाए. तभी तो पृथ्वी घूमती रहती है रुकने के बजाय.
पर मैं जरा सा थमना चाहती हूँ, खुद को तलाशना चाहती हूँ और फिर आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल की भागदौड़ में कहीं खो सी गई हूँ मैं। शुक्रिया। आपका नेट शायद कुछ दिक्कत है क्योंकि आपकी पिक्चर रुक गई थी और आवाज में थोड़ी सी चीजें आई थी जहाँ आपकी आवाज फटी है, तो वो आप ये देखें कि आपका नेट ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपकी या तो नेट प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी पिक्चर्स और बहुत बिल्कुल स्टिल हो गई थी और आपकी आवाज में कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी, बाकी मुझे लग रही थी, बाकी लोगों को लगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, अगर साइन सर इनकी आवाज कुछ दिक्कत थी ना कि नहीं थी, मुझे लग रही थी इनको, आपको लगा कहीं कहीं आवाज जो फटी इनकी? दोबारा सुनना इनसे। हाँ दोबारा, क्योंकि आवाज वो रिकॉर्ड जा रहा है ना, तो अगर बाद में रिकॉर्ड आप लेंगे तो इनकी कविता अच्छी कविता है, तो अगर उसका दोबारा सुनाओ क्लियर आप नहीं कर पाएंगे तो आप दोबारा सुनाओ। अच्छा आवाज आ रही है अंकल आपको? हाँ आप बोलिए बोलिए। अरे आजकल की भागदौड़ में लगता है कहीं खो सी गई हूँ मैं, थमकर ये भी नहीं सोचती कि भाग क्यों रही हूँ मैं, क्या सही क्या गलत सब भूल गई हूँ मैं, दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए इसलिए बस भाग रही हूँ मैं, क्यों जरा सा थमकर ये नहीं सोचती कि चाहती क्या हूँ मैं, क्या दूसरों की दौड़ में भागना है या अपना रास्ता कोई प्रॉब्लम है क्या? इनको पीजी फिर आगे थैंक यू। रोही पहले आपका, फिर ये जो आपके यहाँ एक ही नेट से दो लोग कनेक्ट कर रहे हैं क्या रोही? नहीं कोई ऐसा नहीं है, कामरान अलग नेट लिया हुआ है क्योंकि लगता है ना, इसलिए हो सकता है। हाँ। एक आपकी आवाज नहीं आई क्या? सिंगल है तो भी आपका अपना अलग है नेटवर्क, क्योंकि आपकी आवाज बीच में सही हो गई थी फिर खराब हो गई, रुक गई थी पूरी तरह से। आपका कविता अच्छा है लेकिन वो बीच बीच में जो है अब सही है। अरे सही तो शुरू में आती है फिर बीच में रुक जाता है, दिक्कत वहां हो जाती है ना। अब तीन बार नहीं पढ़ाएंगे, छोड़िए इसको, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है ठीक है, आगे किसी को बुलाइए जो भी है उनको कर ले, फिर हम लोग बात करें। रजत गुप्ता जो है, रजत गुप्ता रजत गुप्ता आप सुन पा रहे हो मुझको? नहीं सुन पा रहा। कामरान अशरफ कमन भाई कौन सा देखे सो गए क्या? अच्छा कमन है यार, देख रहे आइए आइए कमन भाई, देख रहे देख रहे उनको, देख रहे पीछे देख रहे देंदा डब्ल्यू अगला गए बोल रहा था, क्यों नहीं बैठे हो वहां बैठो देंदा डब्ल्यू अगला के। आप अपना माइक ही बंद कर लेते क्योंकि आप जो डांट रही है हमको भी नाम डर गए थे उन्हें पाए बैठे कामरान आपका माइक म्यूट है, कामरान माइक खोलिए भाई, मेरा इंतजार खत्म हो जाता है तब मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि मेरा जन्मदिन आ जाता है, आया मेरा जन्मदिन आया प्यारा मेरा जन्मदिन आया मेरा जन्मदिन आया प्यारा मेरा जन्मदिन आया, हुआ सवेरा मिली बधाई घर में एक खुशियां आई, मेरा जन्मदिन प्यारा है वो बहुत ही सुहाना है, मेरा जन्मदिन प्यारा है वो बहुत ही सुहाना है, जब बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरा जन्मदिन और भी खास हो जाता है, मेरा जन्मदिन आता है साथ में खुशियां लाता है, जब मेरा जन्मदिन आता है तो मुझे बहुत ही मजा आता है। थैंक यू। थैंक यू
अरे यार मतलब मुझे बहुत मजा आया, ये कविता ऐसी थी कि मतलब आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जन्मदिन पर कविता लिखता आपने, तो मतलब ऐसा मतलब क्या बताएं यार, मतलब हमें इतने समय हम अपने पर कविता नहीं लिख पाए यार। गजब छठी क्लास का मतलब जो हमारे कवि है, तो आपने भाई कवि लिख दिया कि सर हमको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मैं ये करते 3 अक्टूबर आना चाहिए। अभी एक और सज्जन थे उनका भी बर्थडे था, मैंने उनको विश किया, सुने ही नहीं, वो गुस्सा गए, मतलब मजाक कर रहा हूँ, नहीं है हंस रहे, बोले थैंक यू। तो आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, 3 अक्टूबर आपका जन्मदिन है, ऐसा है क्या? नहीं कहाँ गए यार, आप सुन रहे हैं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है ना, और अरे यार उसको तो डांट कह रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा, इस तरह से पढ़ते लिखते रहिए, आगे बढ़िए, बहुत सुंदर। बाय क्यों बोल रहे हो, सुनो ना यार, मतलब वैसे ही भगा दे रहे हो, बाय बोलते, मतलब बाय बोलते तुम नहीं भाग रहे, उनको बोले तो भाग, बाय, चलो ठीक है, बहुत बहुत बधाई फिर से, ख्याल रखना है, फिर बात करेंगे। रजत गुप्ता, रजत भाई चलिए इनको हटाइए, रजत भाई को ले आइए, कमरन भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, रजत भाई आएंगे, चलिए हमारे अगले मित्र, आज तो मैं बड़ों की क्लास लेने वाला हूँ, हमारे जितने बड़े बड़े मित्र हैं। वर्षा मैडम कहाँ चली गई, वर्षा मैडम नहीं दिख रही, वो आ रही जा रही, वो उनको लगा उनका नेट आ रही जा रही, नेटवर्क का इशू हो रहा है उनका लगता है कि आ रहे हैं, फिर क्लट जा रहे, फिर जा रहे, फिर जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम कविता सुनाएंगी आप, रजत सर, कुमार गुप्ता, हाँ सुनाइए, आइए, स्टडी क्लास थर्ड फ्रॉम मऊ, स्टडी क्लास थर्ड फ्रॉम मऊ, पोयम नेम हम है सूरज चांद सितारे, हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे कर ले जैसे नन्हे नन्हे रच कर, लेकिन नन्हे रच कर ही है विशाल पर्वत बन जाते, हम बच्चों कुछ दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली है, सूरत मूरत मंदिर की हे सूरत मूरत भोली भाली, थैंक यू सर, थैंक यू, यू आर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू, नमस्ते सर भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अगला जो है मीनाक्षी जी हैं, हाँ मीनाक्षी मैम आइए, माइक ऑन कीजिए मैम, मीनाक्षी मैम माइक माइक ऑन कीजिए अपना, हाँ सर, हाँ बताइए कौन पीछे से किसने उंगली किया है मोबाइल, हमको दिख गया था कि कौन कौन किससे ऑन कर नहीं हो रहा था वो तब नहीं आ, था। कोई बात नहीं, तो चलता है ना कि भाई जब ठीक है प्रोग्राम है तो करना पड़ेगा ना, हाँ सुनाइए आइए आइए जी सर। देखिए एक तो मैं एक चीज कहता हूँ, सर्वर नहीं, आप या तो नित्या जी बोलिए, नित्यानंद बोलिए, हम सर कर करके हमारे इतने सर बोल दिए कि दाढ़ी पक गई हमारी इस उम्र में, है ना, मेरी उम्र की लड़कियां मुझे अब अंकल बोलती, कारण उसका ये है कि इतना सर सर आप लोग बोल दिए ना, सर नहीं यार मुझे पैरों में भी रहने दीजिए, हमने कह रहे कि मनुष्य रहने दिया कीजिए, सर नहीं बोलना, अंग्रेज सर हुआ करते थे सर विलियम सर फला फला, एनी वेज आप आइए, ये सर मेरी कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी जो अब मैं सुना रही हूँ क्योंकि इस टाइम नहीं लिख पाई, उसका नाम है दर्द। दर्द से कह दो थोड़ा दम ले ले, ऐसा न हो कि गमों के बीच यू रहते रहते बीत न जाए जीवन की रहना, बीत न जाए जीवन की रहना, दर्द से कह दो थोड़ा दम ले ले, सांझ ढली है अब तो कुछ दिन ही बाकी है, सांझ ढली है अब तो कुछ दिन ही बाकी है, मैं कहीं भूल न जाऊं उन दिनों की याद को,
उन सपनों को जीने दे ऐ वक्त, उन सपनों को जीने दे ऐ वक्त, मुझको ले चल मेरे पुराने वक्त में, मैं उन पलों को फिर से जीना चाहती हूँ, दर्द से कह दो थोड़ा दम ले ले। धन्यवाद सर। वाह 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 वाह, अपना जी किशोर कुमार का गाना था, अब क्योंकि आपको है ना हम उम्र है, मान लीजिए मान के चले, मतलब इतना मान सकते ना हम उम्र थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि यूजली आप बोल नहीं सकते कि साइन सर को बोल दूंगा सर आप मुझसे बड़े, बोलेंगे बकवास कर रहे हैं बड़ा नहीं, साइन सर हमको डांट देंगे खाए खाए हमको बड़ा बोलेंगे। तो सवाल है कि किशोर कुमार का एक गाना था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए थे। जी सर। साइन सर आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ अच्छा सुन रहे हैं, मतलब आपने वो ठीक है, मतलब आप सुनना हूं, सुनना हूं। सुन रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि आप साइन सर के बाल पक गए मेरी तो दाढ़ी पक गई मेरे बाल पहले, अब मैं बोल दूंगा साइन सर हमसे बड़े तो डांट देंगे क्या नित्यानंद भैया ऐसे बोल दिए। हमारे में चलता है मीनाक्षी मैम है, वर्षा मैडम गायब है, उनको हम मिस कर रहे हैं, वर्षा मैडम नहीं, बाकी बच्चे लगभग जा ही चुके हैं। सवाल है कि चार पार्टिसिपेंट यहाँ दिखा रहे, मतलब हम ही चार है, गजब गजब दिख रहे हैं, गजब भी आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि उसके बाद हम आज के कार्यक्रम में 5 मिनट बात करेंगे फिर बंद करते हैं, समय भी हो गया, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, हमको इतना पावन अंतिम में नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम को और बेहतर कैसे किया जाए उसमें बात होनी चाहिए अंत में, हमेशा मुझे लगता है कि 4-5 मिनट, क्यों सर सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं सही कर रहे हैं, बात होनी चाहिए। तो मैंने अपनी ओर से आज को प्रयास किया, एनी वेज पहले मीनाक्षी मैडम को बोल देते थे फिर बुरा मान जाएगी डांट देते हुए, माइक फोन करके डांट देते। तो सवाल है अब आप सर लाइव बंद कर दीजिए, लाइव बंद।